हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए फ्रेंड ये इनफिनिक्स का हॉट एलेवन है जिसमें फार पी लॉक लग गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें फार पी लॉक लग गया है मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और आपके फ़ोन में इस तरह से लॉक लग जाता है और यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको जी मेल आई डी सैंड करने बोलता है जो आपको नहीं पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आज मैं इसका गूगल अकाउंट वापस करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट टिक किया हुआ है नेक्स्ट कर देंगे अब यहाँ पर इंडिया टिक किया हुआ है नेक्स्ट कर देंगे अब यहाँ या इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है नेक्स्ट कर देंगे अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन है तो उसमें हॉट स्पॉट स्टार्ट करें और इस फोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करें ताकि इस फोन पर इंटरनेट चालू रहे अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन नहीं तो आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक वाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं ये वाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो हम लोग डाल रहे हैं आप जो वाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के वाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया है और यहाँ से आगे बढ़ गया उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर वेट करेंगे जब तक अगला ऑप्शन सुना जाए यहाँ पर एक दो मिनट लगता है फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी का हेल्प हो सके फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेलाइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेट प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीडियो को देखकर अपने फोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा थोड़ी देर के बाद उसके बाद यहाँ डॉट कॉपी लिखा होगा इस पर उन्हें टैप कर देंगे अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे अब यहाँ पे पैटर लॉक मांग रहा है फ्रेंड एंड यहाँ पर पे वही पैटर लॉक डालने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था अगर आपको पता है तो यहाँ पर ड्रो करें आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा पर वो पैटर लॉक मुझे पता नहीं है और दूसरा कोई भी पैटर लॉक डालते हैं तो वह रॉन्ग आता है देखिए रॉन्ग लिखा हुआ है तो क्या करेंगे देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अब यहाँ पे जी मेल आई सेंड करने बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पे वही जी मेल आई डी करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ दिखा यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट अगर आपको जी मेल आडी पास पता है तो यहाँ पे डाले लॉग इन करें आपको फोन यहीं से आगे खुल जाएगा पर जी मेल आई पासवर्ड मुझे पता नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक का सिंबल बना हुआ है और जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ उसके लिए हम लोग बैक आएंगे और बैक आएंगे पूरे स्टार्ट मीनू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे और बैक आएंगे और एक बार और एक बार ठीक है आ गए अब क्या करेंगे सबसे पहले इस फोन का टॉल बैग को स्टार्ट कर लेंगे तो टॉल बैग को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों बटन को एक साथ दबाना होगा चलिए दबा देते हैं तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा दिए थोड़ी देर में यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ टर्न ऑन इस पर हम लोग टैप कर देंगे फिर से हम लोग एक बार वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को फिर से एक बार दबाएंगे तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को फिर से दबा दिए अब यहाँ पर टॉल बैग ऑन हो जाएगा तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन पर टॉल बैग ऑन हो चुका है अब हम लोग को क्या करना है यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है क्लोज इस पर हम लोग टैप करेंगे उसके बाद डबल टैप करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है क्लोज इस पर टैप करेंगे और डबल टैप करेंगे अब हम लोग मेन मेन्यू में आ चुके हैं अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ स्क्रीन पर एल बनाएंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में आपको टॉल बैग सेटिंग दिख रहा है इस पर हम लोग टैप करेंगे डबल टैप करेंगे अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पर नीचे में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बर्ली कीबोर्ड इस पर हम लोग टैप कर देना है उसके बाद डबल टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा अब यहाँ सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है सेटअप बर्ली की बोर्ड ठीक है तो इस पर हम लोग टैप कर देंगे उसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे अब यहाँ सेटिंग दिख रहा है नीचे में इस पर हम लोग टैप करेंगे उसके बाद डबल टैप कर देंगे तो हम लोग सामने में इस तरह से खुल जाएगा अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ है टॉल बैग बर्ली की ये ऑफ है इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस पर एक बार टैप करेंगे उसके बाद डबल टैप करेंगे ओके करेंगे फिर डबल टैप करेंगे स्टार्ट हो गया अब हम लोग क्या करना है अब हम लोग इस फ़ोन का टॉल बैग को ऑफ़ कर लेंगे तो टॉल बैग को ऑफ़ करने के लिए क्या करना होगा वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों बटन को एक बार फिर से दबा के रखे रहेंगे तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम तो तो डाउन बटन को एक साथ दबा दिए तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉल बैग ऑफ़ हो चुका है अब हम लोग यहाँ से बैक आएँगे तो चलिए बैक आ जाते हैं और एक बार बैक आएंगे आ गए अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे यहाँ से भी यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग को यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है यहाँ से सिंपली एक बार बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे और एक बार बैक आएंगे ठीक है वाईफाई नेटवर्क में आ गए अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है यहाँ ऐड नेटवर्क लिखा हुआ है इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ सबसे नीचे में आपको एक कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा होगा इस पर हम लोग को टैप कर देना है चलिए टैप कर देते हैं टैप करते साथ आपके सामने में इस तरह से आ जाएगा यहाँ देखिए नीचे में लिखा है टॉल बैक बर्ली की बोर्ड इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है टर्न ऑन इन एसेसबिलिटी सेटिंग इस पर टैप कर देंगे अब आपके सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा तो सा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा एसेसबिलिटी मेनू इस पर हम लोग को टैप कर देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसेसबिलिटी मेनू शॉर्टकट इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ अलाउ करेंगे यहाँ गेट इट करेंगे ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में एसेसबिलिटी मैंने शॉर्टकट का आइकन खुल चुका है अब क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ से एक बार बैक आएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपको दिखेगा असिस्टेंट ये रहा असिस्टेंट इस पर हम लोग को टैप कर देना है अब ये असिस्टेंट जो है वो ऑफ है इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे जैसे टैप करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा बॉल जैसा ठीक है इसे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आएंगे और इस पर हम लोग एक बार टैप करेंगे चलिए टैप कर देते हैं उसके बाद यहाँ एंड्रॉयड दिख रहा है इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिखेगा इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो हम लोग को फ़ोन का मेन सेटिंग खुल जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर खोजना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन तो यहाँ पर है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन इस पर टैप कर दिए अब यहाँ ऊपर में ऐप इनपो लिखा है इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब यहाँ पर ऊपर में आपको थ्री डॉट दिख रहा है इस पे लोग टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सोच सिस्टम इस पर टैप कर देंगे अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग खोजेंगे एंड्रॉयड सेटअप तो देखिए एंड्रॉयड सेटअप दिख गया इस पर हम लोग टैप कर देंगे अब यहाँ इसे फोर्स स्टॉप करेंगे ओके OK करेंगे अब हम लोग एक बार बैक आएंगे अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा ऊपर में देखिए एंड्रॉयड ऑटो दिख रहा है इस पर भी टैप करेंगे इसे भी हम लोग फोर्स स्टॉप कर देंगे और इस ऐप को डिसेबल कर देंगे ठीक है अब हम लोग बैक आएंगे अब हम लोग को यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करके जाना है और खोजना है गूगल प्ले सर्विस और नीचे जाएंगे हम लोग को खोजना है गूगल प्ले सर्विस थोड़ा तो सा नीचे आएंगे देखिए मिल गया गूगल प्ले सर्विस इसलिए हम लोग को टैप कर देना है अब यहाँ पर सबसे पहले इसे हम लोग डिसेबल करेंगे डिसेबल पे टैप कर दिए अब इस ऐप को फर्स्ट स्टॉप करेंगे ओके कर देंगे ठीक है इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है बैक आना है पूरा बैक आ जाना है पूरे स्टार्ट मेन में आ जाना है जहाँ से हम लोग शुरू किए थे और बैक आ जाएंगे आ गए स्टार्ट मेन्यू में अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे नेक्स्ट करेंगे अब थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद यहाँ डॉट कॉपी लिखा है इस पे टैप कर देंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ से ये यह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ से यह आगे नहीं बढ़ रहा है अब क्या करेंगे यहाँ देखिए नीचे में आपको एसेिसबिलिटी मैंने शॉर्टकट का आइकॉन दिख रहा है इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो हम लोग के सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको दिखेगा असिस्टेंट इस पर हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा उस पर हम लोग को जल्दी से टैप करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐप इन्फो में चले जाएंगे गूगल प्ले सर्विस का ठीक है चलिए फिर से ट्राई करते हैं इस पर टैप किए असिस्टेंट भी टैप किए तो देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग आ गया है इस पर हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पर खुल गया है ऐप इन्फो गूगल प्ले सर्विस का लेकिन अगर सेटिंग का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको बार बार ट्राई करना होगा जब तक सेटिंग ना आए तब तक आपको ट्राई करते रहना है अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ गूगल प्ले सर्विस लिखा हुआ है इसे हम लोग इनेबल कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ स्टोरेज एंड कीचर लिखा है इस पर टैप करेंगे उसके बाद यहाँ क्लियर स्टोरेज पर टैप करेंगे अब यहाँ सबसे नीचे में लिखा हुआ क्लियर ऑल डाटा इस पर टैप करेंगे और ओके okay पे टैप करेंगे इतना करते साथ यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा यहाँ लिखा है मोर भी इस पर टैप करते हुए एक्सेप्ट करेंगे अब यहाँ ओके करेंगे अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड इतना करने के बाद हमारे फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा थोड़ा सा वेट करेंगे अब यहां पे इस तरह से आ जाएगा यहाँ नीचे में इसकीप आपको दिख रहा है इस पर टैप कर देंगे अब यहाँ पे देखिए लिखा चुका है एस ओ एक्स वेलकम ठीक है अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा जब तक हम लोग का फ़ोन खुल ना जाए तब तक हम लोग को वेट करना है तो फ्रेंड इतना करने के बाद हमारे फोन का गूगल अकाउंट बाईपास हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो फ्रेंड आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो को लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड तो इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा वहाँ पर आपको मिलेगा प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीडियो को देखकर अपने फोन का प्रॉब्लम सोल्व करें यहाँ थोड़ा तो सा समय लग रहा है हम लोग वेट करेंगे ठीक है हो गया अब हम लोग का फ़ोन खुल चुका है तो देख सकते हैं हमारा फोन अब खुल चुका है यहाँ अलाउ कर देंगे तो फ्रेंड इसी तरह से हम लोग इस फोन का गूगल अकाउंट को बाईपास करते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आकनवा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू दोस्तों